नमस्कार दोस्तों, फैंटसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर टॉटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ये गेम 30 अक्टूबर को रात में 10 PM से खेला जाएगा। टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लैंड के ट्रेडिशनल बिग सिक्स में आती है, तो बहुत ही बड़ी टीम्स है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है ये। बट करंट सीजन में दोनों टीम्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट फॉर्म में रही है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए ये जानने के लिए क्या है दोनों टीम का करंट फॉर्म, कैसी होगी दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड लाइनअप, कौन होंगे की प्लेयर्स आपके लिए जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस बन जाएंगे, एंड कैसे बनाएंगे हम हमारे ड्रीम 11 टीम फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। एक बार इंग्लिश प्रीमियर लीग के टेबल पे नजर डालते हैं। अभी गेम वीक 10 आ रहा है, सारे टीम्स की 9 गेम्स खेल के हो चुकी है। टॉटनहम करेंटली 6th पोजीशन पे है, 9 गेम्स में से 5 गेम्स इन्होंने जीते हैं, 4 गेम्स इन्होंने हारे हैं, एंड 15 पॉइंट्स के साथ ये करेंटली 6th पोजीशन पे है। मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके एक पोजीशन नीचे है 7th पोजीशन में, 9 गेम्स में से 4 गेम्स इन्होंने जीते हैं, 2 गेम्स ड्रॉ करे हैं एंड 3 गेम्स हारे हैं, 14 पॉइंट्स के साथ ये करेंटली है। दोनों टीम्स का रीसेंट 5 गेम का भी परफॉर्मेंस देख लेंगे, तो पिछले 5 गेम्स में टॉटनहम ने 3 बार जीत हासिल की है एंड 2 गेम्स उन्होंने हारे हैं। अपना रीसेंट प्रीमियर लीग का गेम टॉटनहम जो अपने राइवल्स है वेस्ट हैम यूनाइटेड, उनके अगेंस्ट 1-0 के स्कोर लाइन से हारी थी। यूरोपा लीग में भी उनको 1-0 के स्कोर लाइन से हार फेस करनी पड़ी थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने पिछले 5 गेम्स में 2 गेम्स जीता है, 2 गेम्स हारा है एंड 1 गेम उन्होंने ड्रॉ करा है। पिछले 2 प्रीमियर लीग गेम्स में उनको बहुत ही बड़े मार्जिन से हारना पड़ा था। लेस्टर सिटी के अगेंस्ट वो 4-2 के स्कोर लाइन से हारे थे एंड उनके सबसे बड़े राइवल्स लिवरपूल के अगेंस्ट होम ग्राउंड पे यानी कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे वो 5-0 के स्कोर लाइन से हारे थे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी काफी खराब फॉर्म में चल रही है। इस गेम में वो होप करेंगे कि वो बाउंस बैक करे एंड अच्छा परफॉर्मेंस दे। अपने पिछले 5 गेम्स में टॉटनहम ने 6 गोल स्कोर करे हैं एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने पिछले 5 गेम्स में 8 गोल स्कोर करे हैं। कुछ और की स्टैट्स पर नजर डालेंगे। टॉटनहम हॉटस्पर का मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड रिसेंट टाइम्स में कुछ खास नहीं रहा है। पिछले 5 गेम्स में उन्होंने सिर्फ एक ही बार जीत हासिल करी है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव वन जस्ट वन ऑफ देयर लास्ट 5 प्रीमियर लीग गेम्स, मतलब अपने पिछले 5 प्रीमियर लीग गेम्स में सिर्फ एक ही बार मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती है। इनफैक्ट अपने पिछले 10 गेम्स में उन्होंने क्लीन शीट भी नहीं रखी है, तो डिफेंस भी इनका काफी स्ट्रगल कर रहा है करंटली, गोल्स रेगुलरली कंसीड कर रहा है। टॉटनहम का करंट होम रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। पिछले 5 गेम्स में उन्होंने 3 गेम्स जीते हैं एंड 2 गेम्स हारे हैं इन द प्रीमियर लीग ऑन होम टेरिटरी। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस पसंद है दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत से क्रिकेट और फुटबॉल के ऐसे गेम्स होते हैं जो हम वीडियो प्रीव्यू के थ्रू तो नहीं कवर कर पाते, लेकिन वो सारे गेम्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में आपके लिए छोड़ी है। दोनों टीम्स के एक्सपेक्टेड लाइनअप पे नजर डालेंगे। टॉटनहम 4-2-3-1 इस फॉर्मेशन में खेलेंगे। हैरी केन इनके अटैक लाइन को लीड करेंगे। इनका फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा, पिछले साल के गोल्डन बूट विनर है, बट ये करंट फॉर्म पे ये थोड़े अनप्रेडिक्टेबल है, बट एक बार अगर ये गोल स्कोर करने लग गए तो बहुत ही लीथल स्ट्राइकर बन जाते हैं। टॉटनहम की टीम में जो करंटली फॉर्म में प्लेयर है वो है यूंग मिन सोन। एंडोमले भी डिसेंट फॉर्म में खेल रहे हैं, माउरा भी इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं, हॉयबर्ग मिडफील्ड में गेम को अच्छा कंट्रोल करते हैं। डिफेंस से अगर कोई अटैकिंग पोटेंशियल रखने वाला प्लेयर है तो वो है रेग्युलियन। मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेलेंगी सिमिलरली एंड रोनाल्डो इनकी अटैक लाइन को लीड करेंगे। फर्नांडेस बहुत ही क्रूशियल प्लेयर बन जाते हैं मिडफील्ड में। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अटैक में काफी तगड़े तगड़े प्लेयर्स हैं। कवानी एंड रैशफोर्ड हमारे हिसाब से इस गेम में स्टार्ट करेंगे। मिडफील्ड में मार्टिच एंड फ्रेड खेलेंगे। शॉ एंड वैन बिसाका वाइड एरिया से इनके अटैक माइंडेड डिफेंडर्स बनते हैं। अभी दोनों टीम्स के करंट प्रीमियर लीग सीजन के स्टैट्स देखते हैं। तो सोन आप देख सकते हो, सोन ह्यूंगमिन इज द लीडिंग स्कोरर फॉर टॉटनहम विद 4 गोल्स एंड 1 असिस्ट। होइबेक का एक गोल और एक असिस्ट है। हैरी केन का भी एक गोल और एक असिस्ट आ चुका है। डेली अली का एक गोल है। रेगुलियन जो डिफेंडर है उनके 2 असिस्ट अब तक आ चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साइड से ब्रूनो फर्नांडेज इज द लीडिंग स्कोरर विद 4 गोल्स एंड 2 असिस्ट।
मेसन ग्रीनवुड के 4 गोल आ चुके हैं, रोनाल्डो के 3 गोल आ चुके हैं, लिंगार्ड के 2 गोल है एंड पॉल पॉगबा के 7 असिस्ट है। तो अगर पॉल पॉगबा बट इस गेम में नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको पिछले गेम में रेड कार्ड मिला था लिवरपूल के अगेंस्ट। लूक शॉ का अब तक 1 असिस्ट आ चुका है, तो ये एक मोटा मोटा की प्लेयर्स बन जाते हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक अभी देखते हैं कैसे बनाई है हमने हमारी सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम। फॉरवर्ड्स में हमने रोनाल्डो एंड सॉन को पिक किया है। ये दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही तगड़े कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस बन जाते हैं। इस गेम में सबसे ज्यादा अगर गोल थ्रेट कोई है तो ये दो प्लेयर्स आप है बोल सकते हो। तो आप मल्टीपल टीम्स भी बना रहे हो तो उनमें उन टीम्स में आप इनको अपना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सेफ ऑप्शंस ये दोनों प्लेयर बन जाते हैं। मिडफील्ड में हमने ब्रूनो फर्नांडिस, फ्रेड एंड एंडोम्बले इन तीनों तीनों को सिलेक्ट किया है। इसमें से ब्रूनो फर्नांडिस अगेन एक बहुत ही तगड़े वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। एंडोम्बले आप बोल सकते हो अगर आप मल्टीपल टीम खिला रहे हो जीएल में तो किसी एक टीम में आप इनको अपना वाइस कैप्टनसी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि इसके आगे हम जो भी वीडियो डालें उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए। डिफेंस में हमने कीपर सिलेक्ट किया ह्यूगो लॉरिस फ्रॉम टॉटनम, एरिक डायर एंड सर्जियो रोग्लिओन को हमने सिलेक्ट किया है टॉटनम से, वैन बिसाका एंड वरान आदर टू डिफेंडर्स वी हैव सिलेक्टेड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसमें से रेग्यूलियन हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं। अगर आपको एक डिफेंडर चाहिए फॉर वाइस कैप्टनसी ऑप्शन तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर रेग्यूलियन। असिस्ट देने का पोटेंशियल ये प्लेयर जरूर रखता है। करेंटली हमने एक बैलेंस टीम बनाई है 5:5 के रेशियो में, दोनों टीम से इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर सिलेक्ट किए हैं क्योंकि हमें इस गेम में कोई क्लियर फेवरेट्स नहीं नजर आ रहा। अभी भी हमारे पास 10 क्रेडिट्स बाकी है। इस गेम में बहुत से अटैकिंग ऑप्शंस हैं जिनको अभी करेंटली हमने सिलेक्ट नहीं किया है, तो देखते हैं 11th प्लेयर के आप क्या क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है होम पे खेलने की वजह से टॉटनहम इस गेम में डोमिनेट करेगी, काफी बॉल पोजेशन रखेगी, तो आप हॉइबेयर के साथ जा सकते हो क्योंकि ये पासिंग वगैरह की आपको काफी पॉइंट्स दे देंगे। लेकिन आपको अगर एक जेन्युइन गोल स्कोरर के साथ जाना है क्योंकि आपको लग रहा है टॉटनहम इस गेम में मल्टीपल गोल स्कोर करेगी तो हैरी केन को आपको जरूर सिलेक्ट करना चाहिए। हैरी केन एक बहुत ही तगड़े कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी दो अटैकिंग प्लेयर्स हैं जो हमें लगता है आपको कंसिडर करने चाहिए, वो है रैशफोर्ड एंड कवानी। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए अगेन अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। सोन रोनाल्डो में से किसी एक को आप कैप्टन बना सकते हो एंड इन दोनों में से आप किसी एक को अपना वाइस कैप्टनसी ऑप्शन चूज कर सकते हो क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर्स गोल स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा रखते हैं। याद रखिए दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड कर देंगे लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले विद आर फुल एनालिसिस एंड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फर्स्ट कमेंट में भी आपके लिए छोड़ी है, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फ्री चैनल है, आपको वहां पे बहुत सी मेजर गेम्स की हम टीम प्रोवाइड कर देंगे। फैंटेसी गेमिंग में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसकी लत भी लग सकती है, तो जितनी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करिए। इस गेम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे किसी क्रिकेट या फुटबॉल के वीडियो में। धन्यवाद।